तो चलिए फ्रेंड, ये रहा हमारा खाना बन गया है। राइस इतना ही बना है फिलहाल अभी। और ये देखिए सैलेड काट दिए पूरा, नींबू, खीरा और प्याज। और ये रहा गर्मा गर्म चिकन। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, पूजा भुवन के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो कमेंट में जरूर बताइएगा। और हमारा मॉर्निंग ऐसा स्टार्ट हुआ है आज। पीयू देखिए कितना प्यार कर रही है आज पीयू को कितना प्यार आ रहा है मम्मा के ऊपर ना। पीयू क्या हो गया आज बहुत प्यार आ रहा है बहुत प्यार आ रहा है पीयू को ना मम्मा के ऊपर। क्या है, क्या हो गया? हाँ मम्मा कौन है? जान। जान, मम्मा जान है पापा कौन है? हाँ पापा कौन है? पापा पोती है। पापा भी जान है बेटा। बाबू नहीं है, बाबू अभी गया है चिकन लाने के लिए। आज हमारे घर में चिकन और राइस बनेगा। तो प्लीज़ कमेंट मत करिएगा कि आप, तुम्हारा डाइटिंग चल रहा है, तुम चिकन उकन खा रही है। तो हम खाएंगे नहीं, हमारे घर में कोई गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए बनाया जा रहा है। चिकन पुलाव बनाएंगे, मतलब चिकन राइस बनाएंगे ना पीयू। अब पीयू भी खाएगी आज कोको ना पीयू, कोको खाएगी आज पीयू। और हमारा घर का सारा काम हो गया है आज कंप्लीट, और बस नहाना रह गया। तो पानी बैठा है, गर्म पानी, ये रहा देखिए गर्म पानी हो रहा है। पानी हो जाएगा गर्म, उसके बाद फिर हम फ्रेश हो जाएंगे। सर्दी मेरा ठीक नहीं हो रहा है। बोलते हैं सर्दी होने से ना, मतलब दवाई नहीं खाना चाहिए, सर्दी होना अच्छा है ना पियो। सर्दी हो रहा अच्छा है बोलता है, सर्दी होने से दवाई नहीं खाना चाहिए, इसीलिए हम दवाई नहीं खा रहे हैं। 3-4 दिन हो गया मेरा सर्दी, आज हम दवाई नहीं खाए, अपने ठीक हो जाएगा। पीयू का भी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब कल रात को अचानक से इतना मतलब फीवर बढ़ गया था। अभी तो फिलहाल ठीक है, क्योंकि कल रात को हम लोग लेके गए थे डॉक्टर के पास। तो मतलब महीना में उसको बोलेंगे तो 4 से 5 बार उसका मतलब पूरा हर दिन महीना में बोलेंगे तो 4 से 5 बार उसका फीवर ही आता है, सर्दी खांसी। और भी ठंडा है ना, ठंडा की वजह से भी और ज़्यादा ही बढ़ जाए, मतलब हो जाता है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है मेरी बेटी के साथ ना पीयू, क्यों होता बेटा ऐसे ना, पता नहीं, हमेशा ऐसे होते रहता। मतलब महीना में 4 से 5 बार उसका होना ही है। हाँ और देखिए सच अपना बारे में सच बता रही, क्या कैसे बुखार हो गया? आइसक्रीम खाई इसीलिए बुखार हो गया बोल रही है आइसक्रीम नहीं खाना गंदा बात है ना, नहीं खाना बोलिए, बोले नहीं खाएंगे। बुखार जब होता है तो बोलेगी नहीं खाएंगे, उसके बाद फिर जब कहीं भी दिख जाएगी रोना स्टार्ट, एकदम परेशान कर देती है बाबू को। और अभी नहीं खाएगी बोल रही है, कल गए थे डॉक्टर के पास इसको लेके, सर्दी खांसी का दवाई लेके आए और फीवर का भी दवाई दिए थे डॉक्टर। क्या कि रात को हम बेड में रखे यहाँ पे और हम इसकी खिचड़ी मतलब गर्म करने के लिए गए, क्या कि पूरा दवाई एक बोतल में था, वो बोतल का पूरा दवाई नीचे गिरा दी। और मेरे को बोल रही है मम्मा थोड़ा सा ना दवाई गिरा दिया, तो हम ना उसको बात समझ रही नहीं हो क्या बोल रहे हैं हम, हाँ हाँ कर रहे हैं। उसके बाद जब हम खिचड़ी लेके आए किचन से हॉल में बैठने के लिए, तो जैसे मतलब बैठने जा रहे थे तो वैसे मेरे को बोले मम्मा नीचे नीचे दवाई है बोल के। हम नीचे देखे देखो दवाई का पूरा शीशी बोतल था प्लास्टिक का, वो पूरा फाड़ दिया, मतलब फट गया है और गिरा हुआ है। इतना बदमाश लड़की है, सिर्फ सर्दी और खांसी का दवाई है, अभी फीवर का दवाई आज फिर जाएंगे लेके आएंगे। तो चलिए हमारा खाना भी बन रहा है, खाना बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को तो बता ही दिए क्या बना रहे हैं। चावल तो हो गया हमारा, राइस बनाएंगे। चावल आज ज़्यादा ही बनाए हैं क्योंकि आ रहे हैं घर में कोई, बाबू कोई मतलब दोस्त लोग आ रहे हैं। और इसमें पीयू का भी चावल बनाए हैं, पीयू को भी खिलाएंगे। और ये रहा गाजर और शिमला, गाजर शिमला देखिए हम राइस बनाते हैं, बीन्स नहीं डालते हैं, शिमला डालने से ना मतलब स्वाद बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है, तो इसीलिए हम शिमला और गाजर देके ही राइस बनाते हैं। और राइस बनाने से हम मतलब डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, पहले चावल बना लेते हैं उसके बाद राइस फ्राई करके कढ़ाई में मिक्स कर देते हैं। तो सेजवान वाला राइस बनाएंगे, सेजवान लेके आए हैं, ये रहा देखिए, ये रहा सेजवान, सेजवान वाला राइस बनाएंगे और चिकन बनाएंगे। चिकन अभी तक बाबू लेके नहीं आया तो इसीलिए हम तब तक मसाला रेडी कर लिए, ये रहा पीस भी लिए हैं, अदरक लहसुन मिर्चा और 2 प्याज और थोड़ा सा जीरा, वो सब ऐड करके पीस लिए हैं। हाँ तो चलिए बाबू आ गए, ये देखिए फ्रेंड बाबू चिकन लेके आ गए हैं, ये रहा चिकन देख रहे हैं चिकन है ये,
तो चलिए फटाफट चिकन धो लेते हैं। मसाला तो रेडी है, सिर्फ प्याज काटना है। अब फटाफट चिकन इसमें चढ़ा लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा है, हमको नहाना भी है, मेरा गर्म पानी भी उधर हो जाएगा, बाल भी धोना, बाल कितना गंदा देखिए ना। अब मेरा कान का पता नहीं कहाँ एक ठो गिर गया है और एक ठो ही है तो रग दिया है, इसीलिए कान पूरा मेरा खाली खाली लग रहा है। तो चलिए पहले हम फटाफट चिकन धो लेते हैं, और तेल भी नहीं है जानते, रिफाइन तेल के लिए हम रुके हुए, रिफाइन तेल आएगा तो उसके बाद राइस बनाएंगे, नहीं तो अभी तक मेरा राइस बन गया होता। तेल आएगा तो उसके बाद फिर बाबू, अभी चिकन रख के हम बाबू को भेजे तेल लाने, तो तेल लेके आएंगे, फटाफट राइस बनाएंगे, फिर चिकन एक तरफ ज़्यादा चढ़ा देते पहले। तो चलिए चिकन धो लिए है और प्याज भी काट लिए, और ये गरम मसाला और तेल भी हमारा गरम हो गया है। अब इसमें गरम मसाला तेज पत्ता ऐड कर देते हैं, ये सारा। अब ये प्याज है, प्याज भी ऐड कर देते हैं सारा, चार प्याज, ये सारा प्याज भी ऐड कर देते हैं, चार प्याज काटते हैं। सारा प्याज ऐड कर दिए, चार प्याज काटे थे, इसको ब्राउन करेंगे, हल्का ब्राउन, उसके बाद ये सारा चिकन ऐड करेंगे, चिकन थोड़ा फ्राई करेंगे, उसके बाद ये मसाला ऐड करेंगे। तो चलिए पहले अच्छी तरह से ब्राउन कर लेते प्याज। ये रहा देखिए, सारा चिकन ऐड कर दिए, प्याज हमारा फ्राई हो गया था, उसके बाद सारा चिकन ऐड कर दिया है, और ये मसाला थोड़ा चिकन फ्राई होगा, उसके बाद ये मसाला ऐड करके उसके बाद पूरा मतलब भूनते रहेंगे, बहुत टाइम लगेगा फिर। और देखिए ना, कल टावल लेके आए, कल मार्केट गए थे तो एक टावल ले ली, किचन टावल, हाथ पोछने ना बहुत दिक्कत होता है, रूम में जाओ गमछा लो या फिर कुछ कपड़ा लो हाथ पोछो, तो इसीलिए कल ये किचन टावल लेके आए हैं हाथ पोछने के लिए। और ये सब्जी काट के रखे है, अभी इसका राइस बनेगा, तो चलिए फटाफट पहले ये बन जाएगा, हम फ्रेश भी हो जा रहे हैं, फ्रेश अभी तक हम हुए नहीं है। पानी मेरा गर्म हो गया, आप लोगों को दिखाते हैं, आप पीहू क्या कर रही है, देखिए खेल रही है डॉल के साथ, मेरा पूरा मेकअप का सामान लेके पानी का साथ क्या कर रही है पता नहीं, धो रही है कि खेल रही है, क्या क्या कर रही है, अपना डॉल को मेकअप कर रही है, अब मेरा पानी पूरा उबल रहा है, देखिए इसको ऑफ कर देते, नहा लेते हम भी, पियू नहीं करते बेटा ऐसे, पूरा मेरा मेकअप का सामान बर्बाद कर रही है। और ये रहा देखिए किचन टावल, कल लेके आए हम किचन टावल, घर में नहीं था ना, मतलब घर में मतलब किचन में नहीं था, तो हाथ पोछने मतलब किचन में तो इतना पानी का काम होता है, तो हाथ पोछने में ना बहुत दिक्कत होता है, रूम में जाओ गमछा लो या फिर कुछ कपड़ा लो उससे पोछो, अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए किचन टावल का एक कल मार्केट गए थे तो देख लिया और टंगा हुआ था, तो अच्छा लगा तो ले लिया, देखिए अच्छा लग रहा है, दो तरफ का है, मॉल में भी देखे थे तो मॉल में बाबू को बोले लेने के लिए, लेंगे बोले, उसके बाद कपड़ा वपड़ा देखने लगे थे तो भूल गए थे, तो फिर कल मार्केट गए थे तो याद आया तो ले लिए कल। जा रहे फटाफट, में पानी भी टपक रहा है, नहा लेते हैं, चिकन हो रहा है, आपको देखिए क्या पहनी है मेरा मोजा पहनी है मेरा नाना हो गया, बहुत ठंडा लग रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा लग रहा है, चिकन चढ़ा के गए थे, देखते हैं चिकन, चिकन अभी टाइम है होले में, पानी निकल रहा है, देखिए पानी छोड़ दिया है, अभी थोड़ा टाइम है होने में, चलिए इसको होने देते हैं। और ये खीरा नींबू हम काटेंगे अभी, हम पहले छत से आ जा रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, थोड़ा धूप में हम धूप से क्या रहे हैं, चिकन अब थोड़ा देखिएगा ठीक है, चलिए। तो चलिए फ्रेंड, ये रहा हमारा खाना बन गया है, राइस इतना ही बना है फिलहाल अभी, और ये देखिए सैलेड काट दिए पूरा, नींबू और खीरा और प्याज, और ये रहा गर्मा गर्म चिकन, अच्छा चिकन पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा, पीला पीला लाल दिख रहा है, हल्दी शायद ज़्यादा पड़ गया आजकल में, कोई नहीं चलिए फिर भी टेस्टी बना है। तो चलिए खाना निकालते हैं, आ गया है ये तीन थाली, खाना निकालते हैं फिर मिलते हैं। Thank you.